हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो वैसे बाय द वे हम क्रिएटिव में हैं और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक सीक्रेट बेस। और अब आप सोच रहे होंगे कि हमें सीक्रेट बेस की क्या ज़रूरत है, तो गाइस हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ये देख रहे हो, ये कीमती सामान छुपाना है। तो थोड़ी सी गेम वगैरह चल जाती है, तो थोड़ी और डिगिंग करते हैं। गाइस, मैं सोच रहा था कि हम एकदम ज़मीन वाले एकदम बेड रॉक के पास बनाएंगे, तो चलिए अब देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं। तो फिर डिगिंग करे जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली बेड रॉक पे पहुंच गए थे यार। गाइस अब ऊपर जाना है। तो फाइनली गाइस बेड रॉक पे पहुंच गए हैं और अब हमें लेनी है थोड़े बेड रॉक। गाइस घर एकदम मजबूत बनाएंगे, पहले एक बेड रॉक क्रिएटिव में इसलिए फ़ायदा उठा रहे हैं। जगह खाली करते हैं पहले थोड़ी सी, गाइस सर्वाइवल में तो टूटेगा भी नहीं हमसे। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बेड रॉक पे क्यों बना रहा हूँ, मतलब कि गाइस तो वैसे ज़्यादातर लोग मतलब लावा में बनाते हैं, हर चीज़ में बनाते हैं। तो बस मैंने सोचा आज हम बेड रॉक में बना के देखते हैं, तो इसीलिए मैं क्रिएटिव में हूँ, क्योंकि मेरे को हमेशा से एक मैंने कहा था कि जब मैं माइनक्राफ्ट डाउनलोड करूँगा तो मेरे को एक बारी बेड रॉक के अंदर अपना घर बनाना है। लेकिन गाइस घर तो हमारा इतना बढ़िया बन रखा है, मेरा सीक्रेट बेस ही बना देते हैं। तो गाइस सीक्रेट बेस भी नॉट बैड आइडिया। तो फिलहाल अभी डिगिंग करते हैं। मैंने सोचा मेरा छोटा बेड रॉक स्मॉल एकदम बढ़िया रहता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा, मैं छोटा सा ही बनाऊँगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आपके सब्सक्राइब करने में मेरे को बहुत खुशी मिलती है और बहुत ही ज़्यादा मोटिव मिलता है मेरे को ऐसी और वीडियोज़ बनाने का। तो अभी जल्दी जल्दी छोड़ देते हैं। गाइस हमारे एंट्रेंस में सोच रहा हूँ कि मैं लिफ्ट बनाऊँ या फिर स्कैफोल्डिंग। इस वजह से लिफ्ट बेटर रहेगी, क्योंकि फिर हमें बार बार ऊपर जल्दी भी जाना होता है, तो हम एक और लिफ्ट बना लेंगे। तो गाइस फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि इतनी डिगिंग बहुत है, वैसे इससे ज़्यादा डिगिंग वो और बेकार लगेगा। तो गाइस अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं हर कोने पे मतलब वो प्लैंक लगाऊँ। तो गाइस वो प्लैंक से पता क्या करते हैं, बहुत क्यूट सा घर लगता है, मतलब कि छोटा सा अच्छा सा घर लगता है वो प्लैंक से। गाइस वैसे मैं बोल रहा था छोटा सा, वैसे ये भी छोटा ही है, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ डायमंड ब्लॉक से बना देते हैं। गाइस रही सी देख रहे हो, गाइस कुछ रही सी नहीं है, क्रिएटिव में जाऊँगा अनेक डायमंड के ब्लॉक मिल जाएंगे। बाय द वे मैं अपनी बेइज्जती कर रहा हूँ शायद से, बाय द वे क्या मैं बेइज्जती ही कर रहा हूँ। तो गाइस पहले हमने फटाफट से दीवार कवर कर ली है, मतलब कर ली है, मैं क्या बोले जा रहा हूँ, कर ली है। तो अब इतनी डिगिंग मतलब इतना काफ़ी है। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर बेडरॉक ही रहने दूँ और बस साइड में थोड़ा शो ऑफ करने के लिए डायमंड, बाकी सर्वाइवल में जाऊँगा। सारे लोग कहेंगे अरे चीटिंग करके घर बनाया है कैसे। तो गाइस मेरे को पिंक बेड बहुत अच्छा लगता है, तो इधर पिंक बेड गाइस बीच में लाएंगे। हाँ गाइस ये ठीक लग रहा है बेड। गाइस पहले थोड़ी ना सी लेंटन्स लगाएं या ना लगाएं, ऊपर की तरफ लगा लेते हैं सी लैंटर्न्स। अरे सी लैंटर्न्स लगाएं या फिर वो लगाएं लैंटर्न्स, अरे सी लैंटर्न्स ज़्यादा बढ़िया लगती हैं और उससे वो भी रहता है ना, तो अच्छा लगता है। तो फिर सी लैंटर्न्स लगाते हैं। बस सोच रहा था नीचे की तरफ लगाएं। हाँ गाइस नीचे की तरफ बेटर लग रहा है। अब एक इधर
क्योंकि कैसे आपको पता ही होगा मैंने हाउस में भी अपना ऐसा बना रखा है, मेरे को पता नहीं है ऐसे ही डिज़ाइन अच्छे क्यों लगते हैं, इसीलिए मैंने बेड रॉक नहीं हटाया था अपने से, मुझे पता था मेरे से मिस्टेक होती रहती है। हाँ गाइस बेटर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है गाइस, ये पूरी शेप देने वाले हम इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर, अरे इधर नहीं लगाना इसको, ढको इधर भी और इधर भी, सॉरी यार इधर लगाना है गलत कर जा रहा हूँ। हाँ तो अब ठीक लग रहा है, अब इधर लगाना है, अब इधर लगाना है, इधर लगाना है, इधर लगाना है, और फिर उसके बाद इधर लगाना है, इधर लगाना है, इस पर बेड हटा लेते हैं ताकि हर जगह सील एंट्रेंस लग पाए, इधर गाइस गलत क्यों हो रहा है मेरे से। अगर गाइस अगर आपको आवाज़ में थोड़ी दिक्कत लग रही है गाइस, मेरा थोड़ा ना गला ख़राब ख़राब है तो उसके लिए सॉरी, अगर मैं कोशिश करूँगा कि बाद में अच्छी मतलब गला साफ करके आऊँ। तो अभी हमें चाहिए थोड़ी लीफ गाइस, वो जैसे आपने चपाती भाई भी की वीडियो भी देखते हुए तो वो उनको भी ग्रीन लीव्स बहुत पसंद है, तो मेरे को भी लीव्स बहुत पसंद है लीव्स, तो गाइस हमें ये वाली सही लगेगी जंगली लीव्स, तो हम गाइस डॉट की जगह शिफ्ट कर देते हैं लीव्स, कुछ ज़्यादा ही जंगली नहीं है लेकिन चलो गाइस ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है। और गाइस इधर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी मैं इधर पढ़ाई के लिए किताबें भी रखूँ, बढ़िया रखती है इधर तीन जगहों पर चेस्ट रखूँ मैं, लेकिन गाइस चेस्ट हम पता है कौन से लगेंगे गाइस, महंगी वाली चेस्ट रखेंगे, महंगी वाली। तो 64 स्टैक हमने अंडर चेस्ट का ले लिया है, उस पर तगड़े तगड़ा सामान पड़ा रहेगा, इस पर मतलब थोड़ी बहुत ही नॉर्मल चेस्ट लगेंगी, बाकी सारी अंडर चेस्ट लगेंगी। और एक मतलब गाइस आपने मेरा स्टोरेज रूम देखा ही होगा तो ये मतलब वैसे ही है एक तरफ से मान लो, लेकिन ये गाइस बहुत एपिक रहने वाला है गाइस, हर जगह एंड चेस्ट कितना बढ़िया लग रहा है गाइस, अमेजिंग। और थोड़ी किताबें भी रख लेते हैं, यानी कि बुक शेल्फ। गाइस अगर आपको सच्ची में बता रहा हूँ, अगर आवाज़ कम लग रही है तो आई एम सो सॉरी गाइस, क्योंकि मेरे को खुद बेकार लगता है कि अगर वीडियो बने और घटिया आवाज़ आए तो उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस, मेरा गला बहुत ख़राब है। तो अभी के लिए गाइस ये देखिए हमारा प्यारा सा एक हाउस बन चुका है, और फिलहाल अभी हमें बनाना है लिफ्ट, तो उसके लिए हमें सोइल की लगेगा, सोइल एंड सैंड और वाटर चाहिए, वाटर बकेट भी मिल गई है। और गाइस हमें लेना है एक डोर, गाइस कौन सा लें, गाइस ये वाला सही लग रहा है, एक ये स्क्वायर डोर ले लेते हैं। और गाइस उसको मैं इधर से मिलाऊँगा, उसको मैं लगाऊँगा इधर से, और गाइस थोड़ा मतलब कर लेते हैं क्योंकि पता है ये वाली बेडरॉक फूटेगी, अब गाइस फिर से वाटर डालना है। गाइस मैं एकदम ऊपर से वाटर डालता हूँ, सीधा नीचे आता है ना, एक सेकेंड, लेकिन एंट्रेंस के लिए कौन सा लगेगा,
तो गाइस अब मेरे को एंट्रेंस के लिए भी गेट बनाना पड़ेगा गाइस। मेरे को लग रहा है वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन आई एम सो सॉरी गाइस, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो ऐसे जल्दी मैं वीडियो एंड करता हूँ, ऊपर की डिगिंग स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए इधर तो ठीक कर रहा हूँ मैं। गाइस हमारी सी लैंटर्न टूट गई है। तो गाइस जल्दी जल्दी मैं वीडियो को एंड करना है, क्योंकि बहुत लंबी हो रही है वीडियो फिलहाल, और मैग्मा ब्लॉक चाहिए मेरे को। मैग्मा की स्पैनिंग का है, जल्दी जल्दी के चक्कर में लिखा भी नहीं जा रहा। इसके अंदर मैग्मा ब्लॉक नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसे अभी कोई टाइम नहीं है, अभी इसका फोल्डिंग ही लगा देता हूँ। इसका फोल्डिंग भी नहीं है, स्कॉफ फोल्डिंग की तरह भाई। स्कॉफ फोल्डिंग नहीं मिल रही, मिल गई फाइनली फाइनली। अभी मैं इसकी जगह ये रख लेता हूँ, और इधर लाओ बेडरॉक। ओके ओके ठीक है ठीक है। नीचे आने के लिए ठीक है, गाइस अब मैं थोड़ा और ऊपर चलता हूँ, इस बार फाइनली मैं पहुँच जाऊँ। गाइस पहुँच गए, तो मेरे को इधर से तोड़नी है एंड कलेक्ट करनी है। तो गाइस वैसे हमारा हो चुका है, लेकिन अभी हम आपको नीचे चल के जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। तो चलिए गाइस आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगर गाइस आपको ऐसी ही न्यू सीक्रेट हाउस की भी चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए टिल देन, बाय बाय।